नमस्कार मैं मुस्कान चौरसिया इंडिया इन चैनल में आपका स्वागत है बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल द इंडिया इन सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें अगर आप बिहार में बस से ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर बिहार में चलाई जा रही नगर बस सेवा में सफर करने वाले यात्रियों को एप्लीकेशन और कार्ड के माध्यम से कैशलेस टिकट की सुविधा मिलेगी चलो ऐप डाउनलोड करने पर यात्री बस के लोकेशन को भी ट्रैक कर सकेंगे इस ऐप में अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज कर बस का सफर कर सकेंगे बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर लोगों को आगाह किया उन्होंने कहा कि देश के कुछ जगहों पर बर्ड फ्लू से ज्यादातर प्रवासी और जंगली पक्षियों की मरने की रिपोर्ट आई है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है राज्यों को सतर्क कर हर संभव मदद की जा रही है फिर भी लोगों से अपील है की मीट और अंडो को पूरी तरह से पका खाएं अगली खबर राजगीर से आ रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली दिवस के मौके पर कहा जल संचयन को लेकर राज्य के बड़े बड़े तालाबों का निर्माण कराया जाएगा उन्होंने कहा कि राजगीर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास जल संचयन के लिए जो तालाब बने हैं उसी तर्ज पर अन्य तालाब बनवाने हैं उन्होंने कहा दो साल भी बारिश नहीं हुई तो पानी की किल्लत नहीं होगी पूर्णिया के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि जिले में कोविड 19 वैक्सीनेशन के लिए 8 जनवरी को ड्राई रन का आयोजन होगा ड्राई रन के तहत टीकाकरण के सारे प्लान का प्रैक्टिकल तरीके से टेस्ट किया जाता है पूर्णिया में मंगलवार तक आठ लोग कोविड 19 से संक्रमित मिले हैं जबकि आठ मरीज रिकवर हो चुके हैं पटना के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में एक शख्स के अंतिम संस्कार के लिए रुपए की जरूरत पड़ने पर सिनाखत के लिए गांव वालों को अर्थी पर रखा शव लेकर बैंक जाना पड़ा दरअसल मृतक महेश यादव का कोई नजदीकी नहीं होने के कारण बैंक ने पैसे देने से इनकार कर दिया था बकौल बैंक खाते का कोई नॉमिनी नहीं है पटना में बुधवार को हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जीतन राम मांझी को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए रखने का निर्णय लिया गया वहीं अब पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है बैठक के बाद मांझी ने कहा कि हम चाहेंगे कि बंगाल में एन एक साथ चुनाव लड़े बिहार कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह ने दावा किया की कि राज्य में कांग्रेस के उन्नीस में से ग्यारह विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं उन्होंने आरोप लगाया इन्होंने सिर्फ पैसे दिए हैं और टिकट खरीदे हैं अब विधायक बन गए सिंह ने यह भी दावा किया कि राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह भी पार्टी छोड़ सकते हैं पटना सहित बिहार के सभी जिलों में कोरोना वायरस टीके के दूसरे चरण का ड्राई रन आठ जनवरी को होगा राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निर्देशक मनोज कुमार ने बताया कि इसके लिए हर जिले के तीन स्थानों पर चयन होगा दो जनवरी को तीन जिलों पटना पश्चिम चंपारण और जमुई के तीन तीन अस्पतालों में ड्राई रन सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि जेई एडवांस 2021 की परीक्षा 3 जुलाई को आयोजित होगी उन्होंने कहा कि इस साल भी छात्रों की सुविधा के लिए 75 प्रतिशत मापदंड को हटा दिया गया है उन्होंने यह भी कहा कि आईआईटी आई इस साल परीक्षा आयोजित करवाएगी और आप लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को पेट्रोल की कीमत 23 पैसे की बढ़ोतरी के साथ चौरासी दशमलव दो रूपए प्रति लीटर की सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई। वहीं इस दौरान डीजल की कीमत भी 26 पैसे बढ़कर चौहत्तर दशमलव तीन आठ रूपए प्रति लीटर हो गई। इससे पहले 4 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में पेट्रोल की सर्वोच्च कीमत चौरासी रूपए प्रति लीटर थी पटना जिले के बाढ़ के शहरी क्षेत्र में कल दोपहर बिजली विभाग के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी में कई लोगों का लंबे समय से बकाया भुगतान को वसूला गया और साथ साथ बिजली चोरी कर रहे अपराधियों के ऊपर केस दर्ज कर बड़े पैमाने पर जुर्माना लगाया गया सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 338 रन पर सिमटी स्टीव स्मिथ के सर्वाधिक 131 रन बनाए लाबुसेन और पुकोवस्की ने अर्धशतक जमाए आज टीम इंडिया के मैच में जोरदार वापसी की सुबह के सत्र में दो बार बारिश ने बाधा डाला भारत की ओर से सर्वाधिक चार विकेट रविंद्र जडेजा ने चटकाए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा ने राजद को जबरदस्त टक्कर दी अब भाजपा इससे आगे की प्लानिंग कर रही है रिजल्ट में राजद में महज एक सीट पीछे कर गई। भाजपा अब राजद के माई समीकरण में सेंधमारी करने में जुट गई है बिहार में इस साल होने वाली पंचायत चुनावों में भाजपा मुस्लिम प्रत्याशी को सपोर्ट करेगी इसके लिए पार्टी ने बिहार के सभी जिला कार्य समितियों को निर्देश भेज दिया है तो आज के लिए बस इतना ही इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं तब तक के लिए जय हिंद